हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मेरा क्या टॉपिक है। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ मेरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी और मैंने कैसे उससे छुटकारा पाया, वो मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि GERD, जिसको कि मेडिकल टर्म में बोला जाता है और नॉर्मली हम लोग इसको एसिड रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको इस पार्ट में जलन महसूस होती है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग फील होती है, आप खाना कुछ भी खाते हो तो कभी कभी आप किसी का तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा से खाना ऊपर आने लगता है और उनको लेटते समय ये तकलीफ और भी ज़्यादा होती है, स्टमक पेन होता है। मीन्स कि थोड़ा बहुत है तो लोग कुछ ना कुछ ऐसे मेडिसिन खा के काम चला लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ता है। आजकल ये इशू बहुत लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है हमारा खाना पीना, हमारी लाइफ स्टाइल। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा चीज़ें खाने लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाने लग गए हैं, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है खाने का, कभी भी खा लेते हैं, रात में खाते हैं, खा के तुरंत लेट जाते हैं, ऐसे बहुत सारे इशू हैं। पर उससे भी बड़ा इशू ये है कि जो हम खाते हैं वो बहुत ख़राब चीज़ें खाते हैं। जो हम सब्जियां खरीद के लाते हैं या फ्रूट्स खरीद के लाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो किस तरीके के लैंड में उगाया जा रहा है, कौन कौन से केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं, वहाँ पे जो पानी डाला जा रहा है वो कैसा है। इसकी वजह से हमें इस तरीके के इशू फेस करने पड़ते हैं। और हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो इतना अच्छा ऑर्गेनिक फूड जो है वो अफोर्ड कर पाए। क्योंकि जो प्योर ऑर्गेनिक फूड होता है, जिसको एकदम गारंटी के साथ में आप बोल सकते हो कि इस लैंड में कुछ भी गलत चीज़ यूज़ नहीं की गई है, वो बहुत कॉस्टली होता है, हर कोई नहीं खरीद पाता। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ में ये स्टोरी शेयर करूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुई और मैंने इसको कैसे क्योर किया। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। और अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसा इशू फेस करना पड़ रहा है या फिर अभी इसकी सिर्फ शुरुआत हुई है, तो आप घर पर ही इसको कैसे क्योर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना होगा। सो 2014 में मैं अपना नेटिव प्लेस से यहाँ पुणे शिफ्ट हुई आफ्टर मैरिज। तो क्या हुआ कि मुझे विद इन 15 डेज मुझे अपर यहाँ पे बहुत तेज पेन हुआ, मतलब सीवियर पेन था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, और थोड़ा सा अनइजीनेस सा बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। मतलब इतना पेन था कि मुझे रोना आ रहा था, मुझे तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। तो फिर मैं एक बहुत बड़े यहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं गई। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिखे, मेरी पूरी लाइफ स्टाइल पूछी, पहले की मेरी लाइफ स्टाइल क्या थी लखनऊ में, वो सब मेरे से उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सब लिखा। वो सारे मेरे टेस्ट हुए। वो रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने कहा कि एक और टेस्ट कराना पड़ेगा, एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी का नाम सुनकर ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल, मतलब मैं लिटरली, मुझे रोना आ रहा था कि मैं कैसे कराऊंगी ये टेस्ट, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। पर मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी कि मुझे वो टेस्ट कराना ही कराना पड़ा। तो उसमें क्या होता है कि मुंह के अंदर वो पूरा ऐसे एक पाइप जैसा डालते हैं, उसमें कैमरा लगा होता है, वो पूरा आपके यहाँ तक डालते हैं, तो उसमें वो पूरा अंदर का देख पाते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी इंडोस्कोपी हुई। इंडोस्कोपी जब मेरी हो रही थी, तो ये एक थोड़ी सी फन स्टोरी है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मुझसे वो सांस नहीं रोकी जा रही थी जितनी देर भी उन्होंने मुझसे बोला। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बिल्कुल चीखते हुए बाहर आई थी, और 2 दिन तक मुझे ऐसा फील होता रहा मेरे गले के अंदर कुछ है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था एंडोस्कोपी कराना। फिलहाल वो टेस्ट होने के बाद उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी, और आज भी मेरे पास सारी रिपोर्ट्स रखी हैं। उसमें उन्होंने बताया कि मेरे अंदर स्वेलिंग हो गई है और मुझे हियाटस हर्निया है। हियाटस हर्निया मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा है, क्योंकि कभी मुझे कोई इश्यू हुआ ही नहीं था इस तरीके का, और 15 दिन के अंदर मुझे हियाटस हर्निया हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था।
तो डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हियाटस हर्निया होना, और इसकी सर्जरी कोई ज़रूरी नहीं होती है, और जिनको नीचे की तरफ हर्निया होता है ना उनको सर्जरी कराना पड़ता है, तो ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिंस दी, मेरी मेडिसिंस चल रही थी, ऐसा उन्होंने कुछ स्पेशल मुझे खाना पीना नहीं बताया था, बस उन्होंने इतना बोला था कि आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है, बस इतना ही बताया था, और मेडिसिंस वगैरह मेरी चल रही थी। तो 3-4 महीने ऐसे ही बीत गए, मुझे बार बार पेन बीच बीच में उठता ही रहता था, और इतना पेन उठता था कि मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ रात में 2 बजे मुझे पेन उठा ट्रीटमेंट के बीच में ही। तो फिर इमिडिएटली फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पर मुझे सलाइन वगैरह हुआ, देन फिर वापस आ गए नेक्स्ट डे। तो मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, मैं मेडिसिन खाती थी तो थोड़ी देर कंट्रोल में रहता था, फिर मुझे वो इश्यू हो जाता था। खाना मेरा ऐसा हो गया था कि हम खिचड़ी 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 ही खा रहे थे, वेट एकदम लॉस हो चुका था, स्टैमिना भी बहुत कम हो गया था। मींस मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था कि क्या मुझे पूरी लाइफ ऐसे ही बितानी पड़ेगी, ये पेन मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा, नॉर्मल लाइफ हम नहीं रह पाएंगे, कभी भी कहीं जाते थे कुछ बाहर नहीं खा सकते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। 4-5 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर मैंने एक दिन सोचा कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। देन मैंने बहुत सारी रिसर्च चालू की, मैंने आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेने का फैसला लिया। हम लोगों को पुणे में नहीं पता था कि कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, क्योंकि कोई ऐसा जानने वाला नहीं था जो हम लोगों को एडवाइस करे। मेरे हस्बैंड को भी कोई नॉलेज नहीं थी आयुर्वेद की, क्योंकि हम लोग सब लोग शुरू से ही एलोपैथिक मेडिसिन लेते आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद को सर्च करना पड़ेगा। मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया और प्रैक्टो वगैरह देखा, कई सारी रेटिंग्स देखी, फिर फाइनली मैंने एक डॉक्टर डिसाइड किया। मैं उन डॉक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फिर हम लोग उन डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गए, तो उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी। फिर उन्होंने बोला कि हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो रूट पे होता है, हम लोग आपकी जो रूट कॉज है उसको ख़त्म करेंगे ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी नर्व्स चेक की, और नर्व्स चेक करते ही उन्होंने बता दिया कि मेरी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। हम सबको पता है कि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होता है वो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली होता है। फिर उन्होंने मेरा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मुझे पूरा एक डाइट चार्ट दिया कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और मेरा रूटीन कैसा होगा पूरा दिन का, सब कुछ उन्होंने बताया। और मैं ऐसी कंडीशन में थी कि मैं कुछ भी फॉलो करने के लिए रेडी थी। मैंने उनका पूरा का पूरा रूटीन फॉलो किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ मुझे नुकसान कर सकती है, ये चीज़ मुझे नुकसान कर सकती है, मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि जो मॉर्निंग की बेड टी होती है वो मैंने छोड़ी थी, वो मैंने इसी प्रॉब्लम के बाद छोड़ी थी जब मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। उन्होंने बोला कि मुझे खाली पेट चाय नहीं पीनी है। उस दिन के बाद से मेरी जो मॉर्निंग की टी थी जो मैं सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद लेती थी वो मेरी बिल्कुल छूट गई, और मुझे बहुत ही रिलीफ फील हुआ, क्योंकि जब हम खाली पेट चाय लेते हैं तो उससे एसिडिटी क्रिएट होती है। तो कभी भी उन्होंने बोला कि अगर तुमको कुछ भी खाए हुए 4-5 घंटे बीत चुके हैं तो तुम चाय खाली पेट नहीं लोगी, साथ में कुछ ना कुछ लेना है। बट उन्होंने कहा ट्रीटमेंट के दौरान जो भी मेरा ट्रीटमेंट चलेगा 5-6 महीने तब मुझे चाय नहीं पीनी है। तो मेरी 4-5 महीने तक चाय बिल्कुल बंद थी। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मेरी बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने मेरी बंद की। टी, उड़द दाल, अरहर दाल, छोला, राजमा, मेथी, आलू, इस तरीके की सारी चीज़ें मेरी बंद हो गई थी। बाकी सारी चीज़ें मैं खा सकती थी, और रात में मुझे जो खाना खाना था वो सोने के एटलीस्ट 2 घंटा पहले खाना था। खाना खाने के बाद मुझे तुरंत नहीं लेटना था, फिर वो चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, मैं पहले लेट जाऊँ लेकिन मुझे खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना है। और
दो घंटे का गैप देना ही देना है, साथ में पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है, मुझे थोड़ा वॉक करना है, ये सब चीज़ें मुझे करनी थी। और मेडिसिंस तो चल ही रही थी, जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिंस होती हैं, चूर्णस थे, टैबलेट थी, तरह तरह की चीज़ें थी। पर फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेडिसिंस नहीं थी, जो आयुर्वेद में बोला जाता है कि बहुत सारी मेडिसिंस हो गई, कैसे खाएंगे, इतना ज़्यादा मेडिसिंस नहीं थी। तो मैंने बिल्कुल दिल से फॉलो किया, जो भी वो बोलते थे मैं सब कुछ करती थी, योगा वगैरह तो मेरा चल ही रहा था। देन आफ्टर 5 or 6 months मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। उन 5-6 महीनों के बीच में मुझे एक बार भी उस तरीके का सीवियर पेन नहीं हुआ। कभी कभी अनइजीनेस सा फील हुआ, क्योंकि बाई चांस अगर मैंने कुछ गलत खा लिया है तो हुआ होगा, अदरवाइज मुझे वो सीवियर पेन नहीं हुआ जिसको मैं पहले झेल रही थी। मेरे लिए तो मैजिकल एक्सपीरियंस था, तो मैं आयुर्वेद की तो फैन हो गई उस दिन से। अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं आयुर्वेद को ही फॉलो करती हूँ। एक चीज़ और आपको बताना मैं भूल गई कि जो भी मेरा डाइट चार्ट बना था ना, उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई फाइबर की चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि वो मुझे इतना ईजिली डाइजेस्ट नहीं होंगी। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो किसी किसी को तो डाइजेस्ट हो जाएंगी पर किसी किसी को नहीं होंगी, ये प्रॉब्लम होने के बावजूद। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कभी हल्का सा अनइजीनेस का जो फील हुआ है वो मेरे गलत खाने की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने वो बहुत हाई फाइबर चीज़ें ले ली थी, जैसे कि भुट्टा, कॉर्न मैं नहीं खा सकती हूँ, बेबी कॉर्न मुझे डाइजेस्ट हो जाता है पर कॉर्न, प्रॉपर बॉयल्ड कॉर्न और जो भुना हुआ कॉर्न होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। उसको अगर मैंने कभी गलती से खा लिया तो मुझे अनइजीनेस सा फील होने लगता है। देन रागी का आटा, जिसको नाचनीन का आटा भी कहते हैं, उसका बना हुआ रोटी, पराठा या फिर कोई शेक हम नहीं ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हाई फाइबर होता है। देन स्प्राउटेड चना, आप उसको बॉयल करके खाते हो तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको पेन नहीं होगा, अगर आप उसको जस्ट भिगोते हो, अंकुरित करते हो और ऐसे ही खाते हो तो वो बहुत ज़्यादा हाई फाइबर हो जाता है। तो मैं मूंग चना खाती हूँ, लेकिन स्प्राउट करने के बाद मैं उसको एक बॉयल देती हूँ, फिर मैं लेती हूँ, तो मुझे कोई इश्यू क्रिएट नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा देर आपको खाली पेट नहीं रहना है, जैसे कि 8-9 घंटे जैसे कि बहुत लोग फास्टिंग करते हैं, वो नहीं रहना है, क्योंकि जब आपको ये इश्यू क्रिएट हो जाता है तो आपकी मसल्स जो हैं वो वीक हो चुकी हैं, उन मसल्स को फिर से स्ट्रेंथ होने में टाइम लगता है, तो इसलिए आपको फास्टिंग नहीं करनी है। मैंने आपके साथ में अपनी जो भी प्रॉब्लम शेयर की है, ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम थी और ये बहुत सारे लोगों को होती है। तो प्लीज़, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हो और आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आप आयुर्वेद ट्राई कीजिए और सारे नियम फॉलो कीजिए जो भी आपसे डॉक्टर बोलता है। मैं अपने डॉक्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, और अब वो ऑनलाइन कंसल्ट भी करने लग गए हैं, तो मेडिसिंस वगैरह वो कोरियर कर देते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरी सिटी में हो और वहाँ कोई आपको अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलता है तो आप उनको भी दिखा सकते हो। पर यकीन मानिए कि मेरे लिए तो मैजिकल था, मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी। तो आप लोग भी आयुर्वेद को ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एलोपैथिक बुरा है या फिर नहीं करना चाहिए, जब कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है ना तो एलोपैथिक अच्छा है, जब हमें चोट लग गई सडनली और हमें उसे ठीक करना है, कोई सर्जरी करानी है तो एलोपैथिक ठीक है। बट अगर कोई एक ऐसा इशू है जो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हो पर वो फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप आयुर्वेदिक ज़रूर ट्राई कीजिए, डेफिनेटली ये वर्क करता है अगर आप इसको समय देते हो, सारे उसके नियम फॉलो करते हो। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, पर डेली ब्लॉग बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि कभी कभी मैं कोई ट्रैवल ब्लॉग या वीकली ब्लॉग इसमें डालूं। और मेरा दूसरा चैनल है क्राफ्ट चैनल, अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो
तो आप मेरा वो वाला चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मैं मैक्रम प्रोडक्ट्स बनाती हूँ और मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू उसको सेल करती हूँ। अगर आप भी मैक्रम प्रोडक्ट्स में कुछ भी कस्टमाइज कराना चाहते हो या फिर कुछ और परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, गो एंड चेकआउट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।